अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही फटाफट सी पनीर की भुर्जी की रेसिपी, जिसे खा के आप ढाबा या रेस्टोरेंट की पनीर भुर्जी खाना तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है, बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट से आज मैंने ये रेसिपी बनाई है। तो अगर ये रेसिपी पसंद आती है, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसे बनाने के लिए हमें ले लेना है पनीर। तो पनीर यहाँ पर मैंने आधा किलो लिया है। इसे हमें करना क्या है, एक ग्रेटर लेके हमें इसे ग्रेट कर लेना है। अगर आपके पास ग्रेटर ना हो तो आप इसे हाथों से भी क्रम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से ग्रेट किया है। ग्रेट करने के बाद हमें इसे साइड कर देना है। लेना है हमें एक पैन, और पैन में डालना है ऑयल। तो ऑयल यहाँ पर आप अपने हिसाब से डालिए, जितना कम ज्यादा खाना प्रेफर करते हैं उस हिसाब से यहाँ पर आप ऑयल डाल सकते हो। तो ऑयल के डालते ही हमें इसमें डाल देना है एक चम्मच जीरा। जीरा जब अच्छे से चिटकने लग जाएगा, यानी कि हल्का सा ये भुनने लग जाएगा, कुछ सेकंड के लिए हमें इसे ऑयल के साथ भून लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगी प्याज। तो प्याज यहाँ पर आपको एकदम बारीक चॉप की हुई डालना है। तो यहाँ पर 2 से 3 मीडियम साइज का प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और अब इसे हम डाल देंगे ऑयल में। और ऑयल में डालने के बाद हम इसे अच्छे से भुनेंगे। कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है इसे, हमें गोल्डन, जैसे होता है पिंकिश कलर आ जाता है, उस तरह का कलर हमें इसमें चाहिए होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज अभी पिंकिश नहीं हुई है, इसमें सिर्फ हल्का सा ट्रांसलूसेंट कलर आया है। तो देखिए, अब प्याज को भूनते हुए 3 से 4 मिनट का टाइम हुआ है। इसमें हम डाल देंगे बारीक कटे हुए हरे मिर्च। तो हरी मिर्च 2 से 3 हमने यहाँ पे कट करके डाली है, जिसे हमने बारीक काटा है बीच से कट करके। तो देखिए, इसे हम प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर प्याज को भूनते हुए 5 से 7 मिनट का टाइम हो चुका है, काफी रिड्यूस हो गई है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर डाल देना है टमाटर। तो टमाटर मैंने यहाँ पर लिए हैं 3, जो कि थोड़े बड़े साइज के हैं, और इसे हम डाल देंगे। और डालने के बाद अब टमाटर को हम अच्छे से भूनेंगे प्याज के साथ। देखिए, आप कोई भी सब्जी बनाए या कोई भी तरह की ग्रेवी बनाए, अगर आप के मसाले की जो भुनाई है वो अच्छे से होती है, तो जो ग्रेवी का सालन बना रहे हैं या फिर कोई भुर्जी रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, तो उसका टेस्ट अपने आप ही अच्छा आता है, क्योंकि हमारा जो मसाला था वो अच्छे से भुना था। तो टमाटर के जाते ही हमें इसमें नमक डाल देना, जिससे टमाटर फास्टली गलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब इसे डालकर हम अच्छे से भुनेंगे। तो यहाँ पर जो ग्रेवी का असली टेस्ट है वो भुनाई से ही आता है, जिसे आप अच्छे से भुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, टमाटर को भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट का टाइम हो चुका है। इसके साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून के करीब ऐड किया है। इसके साथ ही हम इसमें कलर के लिए डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और हम इसमें स्पाइसनेस के लिए डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। और इसके बाद यहाँ पर डालूंगी 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। इन सारे मसालों को डालने के बाद गैस की फ्लेम थोड़ी सी तेज करेंगे, और मसालों को अब हम अच्छे से भूनेंगे। जो मसाले हमने ऐड किए हैं, इनका कच्चापन दूर करने के लिए हमें इसकी अच्छे से भुनाई करनी पड़ेगी। तो 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से भुनेंगे मसालों को इन सब्जी के साथ। तो देखिए, यहाँ पर अब इसे हम कवर कर देंगे, और कवर कर दर हम इसे पकने देंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसे कवर किए हुए 3 से 4 मिनट का टाइम हो चुका है, और आप देख सकते हैं मसाले कितनी अच्छी तरह से भुन चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर को हल्का सा मैश कर सकते हैं, जिस तरह मैं कर रही हूँ, और अगर आपको इस तरह चंक में अच्छे लगते हैं तो आप उस तरह से भी रख सकते हैं। यहाँ पर जाएगा ढाबे या रेस्टोरेंट वालों का सीक्रेट मसाला, जो कि है बेसन। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच बेसन ऐड करेंगे इस सब्जी को अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए। और इसके साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। आप यहाँ पर इसे स्किप कर सकते हो, टोटली ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालें, नहीं डालते हैं तो भी टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे डालकर अब हमें इन सारी चीजों को अच्छे से भून लेना है। आपको जो बेसन लेना है वो भुना हुआ लेना है, उसके बाद भी आपको इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसे भून लेना है। अगर आप इसमें कच्चा बेसन डालेंगे तो आपका जो सब्जी का फ्लेवर है वो काफी बदल जाएगा, तो एक बात का ध्यान रखें। इसके साथ हम बंद करके इसे अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने किस तरह इसे भूना है, कवर करके भी भूना है, अब खोल के भी भून रही हूँ, और आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर कितना बढ़िया आ चुका है। अब इसके साथ यहाँ पर हम डाल देंगे पनीर। पनीर डालने के बाद देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक चंक रह गया था, जिससे मैं हाथ से क्रश कर रही हूँ। और पनीर डालने के बाद आपको इसे बहुत हल्के हाथों से मिलाना है, बहुत ही जेंटली।
आपको इससे मिला लेना है। आप चाहे तो पहले इस मसाले में थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, इससे क्या होगा बहुत ही इवनली आपकी जो ग्रेवी है वो इस पनीर के साथ मिक्स हो जाएगी। तो देखिए इसे जेंटली हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आपको इस ग्रेवी में जितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी रखनी है, जिस तरह की लिक्विडी रखनी है या फिर ड्राई रखनी है, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो। मैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ढाबे वाली रख रही हूँ, हल्की सी गीली। तो देखिए थोड़ा सा आधा ग्लास पानी मैंने इसमें ऐड किया है। ऐड करने के बाद इसे कवर करके 3 से 4 मिनट हम इसे कुक कर लेंगे। और देखिए इसे कुक होते हुए 3 से 4 मिनट का टाइम हो चुका है और हमारी जो ये पनीर भुर्जी है ये बन के रेडी हो चुकी है। गैस की फ्लेम बंद करके ऊपर से धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। देखिए हमारी टेस्टी सी पनीर भुर्जी बनकर तैयार है, हम इसे सर्व करते हैं। आप इससे नान के साथ या फिर राइस के साथ सर्व कर सकते हो। आप इसी तरह से एग भुर्जी भी बना सकते हो, लेकिन एग भुर्जी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाके आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। गाइज ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा इजी है, फटाफट बन जाती है, तो जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए एंजॉय।